आदिवासी परिवारों के उत्थान के लिए चलाई जा रही जनमन योजना इन गरीब परिवारों के लिए वरदान साबित हो सकती थी, लेकिन सरकारी तंत्र की नाकामी ने वरदान साबित होने वाली इस महत्वपूर्ण योजना को बर्बाद कर दिया है। केंद्र सरकार की यह महत्वपूर्ण योजना महज कागजों तक सीमित बनकर रह गई है। सिरोंज विकासखंड के ग्राम पंचायत छापू के मनहार टपरा आदिवासी बाहुल इलाके में, जहाँ पानी पीने के लिए नहीं है, आदिवासी परिवार की महिलाएं रात में जागकर हैंडपंप पर लंबी लंबी कतारें लगाने को मजबूर हैं, क्योंकि लगभग 500 लोगों की बस्ती में मात्र एक हैंडपंप चालू है, जिसे लगातार चलाने के बाद बूंद बूंद पानी मिल पाता है। यहाँ कहने के लिए नल जल योजना के नाम पर पैसा तो खर्च किया गया, लेकिन इसका लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल पाया है। नाम है आपका और कहाँ रहते हैं? मेरा नाम है राजन सिंह और छापू टपरा में रहता हूँ, यहीं पे आदिवासी हूँ, आदिवासी खैरवार आदिवासी। अच्छा, क्या समस्या है यहाँ पर? पानी के लिए बहुत समस्या है, ना तो वो नल दल योजना है यहाँ पे, और रातों रात बहरे रात भर पानी भरती हैं, वो दो दो घंटा एक एक ड्रम निकलता है हेड पंप। अच्छा। और कुटी भी आप देख लीजिए, पूरे गांव बस्ती में एक कुटी नहीं। अच्छा। हाँ, तो मतलब यहाँ पर कितने लोगों की संख्या है? यहाँ 530 वोट हैंगे, यहाँ 530 वोट हैं, और बच्चे मिला के लगभग लगभग 1000-1200 होंगे बच्चे मिला। इसकी शिकायत नहीं की है? की है ना। आपके बच्चे स्कूल जाते हैं? जाते हैं। स्कूल में पानी की सुविधा है? नहीं, कुछ सुविधा नहीं है, वो टंकी ऐसे ही पड़ी, हेड पंप में कुछ पानी मान नहीं। आपने मास्टर से कैद में कैद की है? मास्टर साहब का करेंगे, वो कहेंगे वो सरकार नल करवाएगी हेड पंप जब ही। तो सरपंच सचिव से बात करी? सरपंच सचिव डेली हमारे ही सरपंच, फिर भी नहीं है सुनवाई। कोई सुनवाई? सरपंच तो हमारा, फिर भी नहीं है। हाँ, जनपद ठीक है, हम जनपद सदस्य हैं, हमारी घर वाल। अच्छा, हाओ जनपद सदस्य हाओ, तो अभी सुनवाई कुछ नहीं। 181 लगा, 181 मैंने 3 बार लगा चुका ये पानी के बारे में। मतलब तुम भी जनपद सदस्य हो, फिर भी सुनवाई नहीं? सुनवाई नहीं है फिर। तो आपने मतलब आप जनपद सदस्य होके भी सरपंच सचिव से कह दिया? हाँ, सबसे 181 लगा दिया 3 बार, कोई सुनवाई? हाँ श्रीवास्तव ग्राम पंचायत छापू। आपके ग्राम पंचायत छापू के पास टपरा है, उसमें आदिवासी को पानी, आदिवासी टपरा है ना, उसमें पानी समस्या पड़ रही, क्या पानी की बहुत समस्या है। वहाँ 4 नल लगे हुए थे, उनके जल स्तर चला गया, पानी कम हो गया। गांव में भी समस्या है, छापू में वहाँ भी जो है ट्यूबवेल बोल रहे उनमें भी पानी की कमी आ गई। तो लगातार जल स्तर गिर रहा है क्या? जल स्तर गिर रहा है, और पहले चल भी रहे थे, अब तो वो बहुत कम चल रहे हैं, और घंटों हलाना पड़ता है। अच्छा, कुछ मतलब उसमें नई कोई सुविधा आई है पीएचई विभाग द्वारा, कुछ बोरवेल वगैरह की कुछ आपने? पीएचई वालों ने या देखा है वो किसी में, उनने पाइप माइप भी डाले हैं, लेकिन नया अगर बोर होता है तो पानी की समस्या का हल हो जाए। अच्छा, हो सकता है हल मतलब। और ग्रामीणों का ये भी बोलना है कि उनके कुटीर वगैरह नहीं आई? नहीं, कुटीर जो भी आई थी उन्हें अपन ने सबको दिया है, वो जो शेष रह गई हैं वो बकाया अभी 25-30 शेष रह गई हैं, वो अब आएंगे तो उनको मिलेंगे। अच्छा, और कुछ मतलब इसमें नल जो कर्रे चल रहा है उन्हें ठीक कराने के लिए कुछ आप इसमें आवेदन वगैरह या कुछ शिकायत? मैं ठीक करने का तो अपन तो पीएचई में भी गए हैं, बार बार बोला है कि आप यहाँ नया बोर कराएं, साहब मशीन बुलवाएं, तभी पानी की समस्या का हल होगा। बाकी पुराने नल तो सब बोल गए, उनमें तो बिल्कुल जल स्तर नीचे चला गया। लगभग उधर कितने परिवार रहते होंगे? आदिवासी परिवार आधा गांव है, आप ये मान लो 1000 वोटर हैं तो 500 वोट आदिवासी हो गए, बहुमूल्य इलाका है वो, बहुमूल्य इलाका है। ठीक, टोलों पर
जहाँ पर नई बसाहटें हो गई है वहाँ पर जरूर ऐसी शिकायतें मिली थी, तो हमारी टीम तुरंत जाकर के उसका निदान करती है। अभी आपने जैसे झापू का बताया है, हम तुरंत ही किसी संबंधित फील्ड के अधिकारी को भेजेंगे और उसका निराकरण करा देंगे। सर, शासन लगातार काम कर रही है, हर घर नल जल देने की बात हो रही है, इसके बावजूद जल संकट पे काम पूरे विदिशा जिले के पूरे जितने भी 1534 ग्राम हैं वो सभी गाँवों को नल जल योजनाओं से आच्छादित करना है। समूह नल जल योजना का काम भी हो रहा है और जो एकल नल जल योजनाएं हैं उनका भी निर्माण कार्य प्रगति पर है। कुछ जो है ऑलरेडी पूरे हो चुके हैं, कुछ बड़ी परियोजनाएं हैं जहां पर बड़े निर्माण किए जाने हैं या बड़े नदी बांधों से पानी लेकर के एक से ज़्यादा गांवों को जो है नल जल उपलब्ध कराना है, तो वो सारी योजनाएँ प्रगतिरत है। मैं उनकी निरंतर समीक्षा कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि आने वाले एक निश्चित समय के बाद में हर घर में जो है विदिशा में पेयजल नल के माध्यम से मिलेगा।